अब जो कि एक खेत हमने हल लगा दिया है, ये वाला सुबह को जल्दी आ गए थे 6 बजे, और ये तो लगा दिया है और आफत आ गई आज। अभी नीचे वाले 2 खेत हैं और हैं, वो लगाने हैं। पहले नाश्ता करते हैं, तब जाके कार्यक्रम और आ गया, क्योंकि तब जाके और हल लगेगी, क्योंकि भूख लग गई है। तो ये बोल दो कि थोड़ा बोल दो, बोल रहा हूँ अभी थोड़ा बैलों को जो कि रेस्ट दे दिया, थोड़ा घास खाएंगे, कहाँ के पीना पीना रखा था वो खा नहीं रहे शायद, थोड़ा रेस्ट करते हैं उसके बाद लगाते फिलहाल। अभी और भी बने होते हैं, तो ये पहले करते हैं नाश्ता, उसके बाद लगाते हैं दूसरा खेत। भी थकान लग गई है, पैरों की हालत देखो, इसलिए नीचे नहीं बैठा। चाय तो जाना क्या होनी, ब्याज में इतनी चाय दे लिया आज भी, ये तो नीम की चाय। दो चार फाइनल जो कि हल हमने लगा दिए, आफत आ गई भाई आज, हल आ गई क्योंकि जो बड़े बड़े खेत थे तो उनमें आफत आ गई हल लगा के, और टाइम भी बहुत ज्यादा हो गया है। लेकिन कोई नहीं, यहाँ की आफत दूर ही, यहाँ के हमने सारे खेत हल लगा दिए हैं। अब दो चार खेत हो चे थोड़ा बड़े बड़े खेत हैं, उनमें भी लगी जाएगी, लेकिन इतनी आफत आई आज, इतना टाइम बाद मतलब 2 बड़े बड़े खेत हल लगाना, वो भी अकेले। गोलू भी नहीं था, गोलू सुबह में आया था, उसकी स्कूल थी तो थोड़ा उसने हल लगाया, उसके बाद स्कूल निकल गया, उसके बाद जो कि मैंने हल लगाई। तो अब निकलो भाई, ये चढ़ाई पार करनी है इस धूप में, अब यहाँ पहुँचने ऊपर चलते हैं, फिर मिलते हैं। फिर धंधे से भी घर आ गए थे, तो खाना खुना हमने खा दिया है, फिर निकल रहे हैं हल लगाने के लिए। और पैर में जो कि एक अंगूठे पे, अंगूठा बोल रहा हूँ मैं, एक उंगली पे जो कि चोट लग गई है, वो कि मेरा पैर जो कि बैल के पैर पे लगा 2-3 बार, फिर नाखून लेता है और नाखून थोड़ा आगे पीछे हो गया, तो उसी में दर्द हो रहा है अभी चलने में भी। लेकिन हल लगाना तो जाना पड़ेगा, ऐसे करके ऐसे ऐसे करके जाना पड़ेगा। और जब हल लगाता हूँ मैं, जूते निकाल के लगाता हूँ, जो वो रहते हैं जो घास काटी हुई रहती है, तो इस वाले पैर में वो चुभ गई है, एक पैर में घास चुभ गई, दूसरे में जो कि नाखून का प्रॉब्लम हो गया। तो ऐसे भी ऐसे ऐसे करके चलना पड़ेगा, ऐसे ऐसे करके चल रहा हूँ अभी, थोड़ा चलने के बाद ठीक हो जाएगा। अभी तो जो कि आराम कर रहा था मैं, इसकी वजह से थोड़ा दर्द हो रहा है, अगर चलता रहूँगा तो उतना दर्द नहीं होगा। तो चलते हैं अभी, स्कूल वालों की छुट्टी नहीं हुई, स्कूल वालों की छुट्टी होती तो मेरे लिए हेल्प हो जाती, लेकिन वो स्कूल वाले आ ही जाएंगे, तब तक मैं निकलता हूँ, थोड़ा बहुत मैं लगा देता हूँ। ये देखो सारा काम जो कि दादी ने किया हुआ सुबह का, खाना दादी ने बनाया, इतना सारा काम भी किया, अभी भी जो कि लगी हुई है। बोले मैंने आराम कर दो, तो आराम नहीं करती मैं दिन में। देखो आदत पड़ी हुई पहले से काम करने की, और एक हम है 2 खेत हल लगाए, उसी में हालत खराब हो गई, अभी तीसरा खेत हल लगाने जा रहा हूँ। हाँ क्या चाय होनी, मम्मी जो चाय बना रही है खेत के लिए, चाय भी लेके जाएंगे खेत में पीने के लिए, वहाँ पे हम बना नहीं सकते हैं, वहाँ जो घर ही से लेके जाना पड़ेगी चाय। और अभी जो कि हल लगाने जाना है इस वाले खेत में, ये वाले में कितने, तो देख ये वाला खेत, इसके अगल बगल के खेत लग गए हैं जिसमें दबे दबे दिखाई दे रहे हैं, गोबर डाला हुआ है। अभी यहाँ से जाना है नीचे उतर के, चौथा हल गया, पहला मैं था, दूसरा ये, तीसरे कहाँ गए वो, ये चले जिनके बैल है यहाँ पे जा रहे हैं, यहाँ पे जा रहे हैं, इनके बैल थे उन्होंने लगाया आधी हल, आधा मैंने लगाया, फिर गुरु ने लगाई, अभी ये लगा रहा है। यही होता है पहाड़ में मिलजुल के काम, बैल भी हमारे नहीं है, बैल भी उन्हीं के, उनके बैल मांगे हमने, हमारे बैल तो चल नहीं रहे हैं। जल ही डाल तुम्हें सवाल से,
देखते हैं, और शेयर है। अब मेरे को जाना पड़ेगा, इनके पास जो बैल बहुत स्लो चल रहे हैं, इसके पास और इसके पास। ये क्या ऊपर लगा हुआ हेयर लगाने पे, ये देखो ये बंदर की तरह बैठा है यहाँ पे, कुरकुरा खाने पर लगा हुआ है। जोरदार शॉट, अभी आगे नीचे से हल लगा के बोलू के पास है, जो जो हमने खेत में बोए हैं थोड़ा बच गए तो वापस ले आए। और इतनी चढ़ाई भाई साहब, खाली सीढ़ियां सीढ़ियां ऊपर आने के लिए। और देख लीजिए ये वाला गेट हमने हल लगा दिया, ये वाला भी लगा रहा था और ये अभी भी लगा ही रहा है, लेकिन हमने तो लगा दिया भाई, आपात खत्म हुई। एक भाई कितने नीचे खाली सीढ़ियाँ, खड़ी सीढ़ियाँ, हालत खराब हो गई। हम निकलते हैं घर की ओर।